नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एवरग्रीन स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें, इसके बाद आ रहे बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, हम फर्स्टाना को सर पढ़ रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको बताया बोर्ड मेंटेन करना होता है दिनांक, विषय, कौशल। कौशल के अंदर अपने लिख देंगे फर्स्टाना को सर। कक्षा सातवीं, कालांश फोर, समय अवधि 5 से 7 मिनट होती है माइक्रो की। प्रकरण, मैंने कहा प्रस्तावना कौशल में कभी भी स्टार्टिंग में प्रकरण नहीं लिखते हैं। स्टार्टिंग में बच्चों से पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछते हैं, जब टॉपिक का नाम आ जाए उसके बाद टॉपिक यहाँ पे लिखते हैं और टॉपिक को हमेशा अंडरलाइन करते हैं। तो आज हम टॉपिक कुछ पूछ रहे हैं, तो बच्चों को पूर्व ज्ञान संबंधित आपका नाम क्या है, आप कौन से शहर से रहते हो। बच्चों से पूछा आपका नाम क्या है या आप कौन से गांव में रहते हो, आप कौन से स्थान पर रहते हो। मान लीजिए कोई भी नाम आ गया, नाम कोई भी हो सकता है। मान लीजिए नाम आ गया करण, स्थान आ गया श्री गंगानगर। नाम आ गया करण, स्थान आ गया श्री गंगानगर, ये क्या व्यक्ति, ये हो गया स्थान। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराए उन शब्दों को क्या कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो बोध कराए उन शब्दों को क्या कहते हैं। सिक्स क्लास के अंदर बच्चों ने संज्ञा पढ़ी होगी, आपको आंसर दे देंगे संज्ञा। अब नेक्स्ट पूछिए संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मैंने पीछे दो संज्ञा और सर्वनाम की वीडियो डाल दी है। जरूरी नहीं है आपकी प्रस्तावना कौशल वही हो, आप ये भी ले सकते हो। आप यहां से संज्ञा निकाल सकते हो, आप यहां से सर्वनाम निकाल सकते हो, बाद में आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हो। तो आप प्रस्तावना कौशल वो डिटो वो कॉपी करना जरूरी नहीं है, आप कोई भी आप अपनी मर्जी से देख सकते हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको सिखाना है प्रस्तावना कौशल तैयार कैसे होता है। यहां से आंसर आ जाएगा सर्वनाम। अब आप प्रश्न पूछ कर सकते हो, संज्ञा वह सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें क्या कहते हैं। आंसर आ जाएगा विशेषण। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। अगर यहाँ पे विशेषण आंसर नहीं आता है तो आप इसी को समस्यात्मक लिखोगे और टॉपिक का विशेषण लिख दोगे। अगर इसका आंसर विशेषण आ जाता है, आप डायरी मेंटेन करते हो, आप 5 प्रश्न बनाइए, कम से कम 4 प्रश्न बना लिए, 5 प्रश्न आप बताइए कि विशेषण के बारे में विस्तार से बताओ। विशेषण के बारे में विस्तार से बताइए। ये क्या आ गया, ये आ गया समस्यात्मक। विशेषण के बारे में विस्तार से बताइए, ये आ गया समस्यात्मक। तो आप कहोगे कि क्या आज हम क्या विशेषण के प्रकार, विशेषण की भाषा, विशेषण के जो भी है, विशेषण के प्रकार के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना कौशल, मैंने हिंदी की 3 वीडियो डाल दी है, तो आप अपने देखिए
वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा।